ट्रेन में अगर आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो रेलवे ने आपको हवाई सफर कराने की तैयारी कर ली है। दरअसल एयर इंडिया और IRCTC के बीच करार के जरिए आपको ट्रेन के दाम में हवाई सफर का मजा मिलने वाला है। दोनों के बीच ये करार 2 से 3 दिनों के बीच होने की उम्मीद है, जिसके बाद अगर आपका ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप उसी दाम में एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा कर सकेंगे। IRCTC का टैप 2-4 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो जाना चाहिए और उसमें बेसिकली ये है कि किसी आदमी को अगर जो चार्ट बन जाता है उस समय उसका टिकट कंफर्म नहीं होता तो ही गेट्स एन ऑफर इमीडिएटली कि वो उसी टिकट AC फर्स्ट का अगर पैसेंजर है तो उसी टिकट प्राइस में उसको अगले 24 घंटे की हमारी एयर इंडिया किसी फ्लाइट में ट्रेवल करने को मिल जाएगा जो जिस स्टेशन जा रहा था। और AC 2 टायर का पैसेंजर तो शायद 1500-2000 रुपये और एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा एंड ही गेट्स अ टिकट। आई थिंक दिस विल हेल्प द कॉमन पैसेंजर वेरी वेरी मच। वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट्स के लिए रेलवे ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इन टिकट्स को अब 193 नंबर पर फोन करके कैंसिल कराया जा सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज ये नई सर्विस लॉन्च की। अगर टिकट कंफर्म है तो 139 नंबर के जरिए आप अपना ट्रेन के जाने के समय से 4 घंटे पहले तक इसे कैंसिल करा सकते हैं, जबकि RAC और वेटिंग लिस्ट वाले टिकट्स ट्रेन के जाने के समय से आधे घंटे पहले तक कैंसिल कराए जा सकते हैं। सरकार ने बुधवार को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स को बड़ी सौगात दी। EPFO सब्सक्राइबर्स को अब 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। सरकार ने EPFO द्वारा सितंबर 2015 में लिए गए फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। इससे करीब 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर कोई 12,000 रुपए की टेक होम सैलरी पर 20 लाख रुपए का होम लोन देने की पेशकश करे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव है और ऐसी स्कीम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हां, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO जिस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की योजना बना रहा है उसमें कई ऐसी सुविधाएं देने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं जो कम आय वाले EPFO सब्सक्राइबर्स के घर का सपना पूरा कर सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और RBI गवर्नर रघुराम राजन के बीच आज दिल्ली में मुलाकात हुई। राजन के खिलाफ BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद ये पहली मुलाकात थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन को RBI गवर्नर पद से हटाने की मांग की थी और इस बारे में PMO को चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि तब भी जेटली ने RBI गवर्नर की स्वायत्तता का हवाला देते हुए किसी भी बदलाव से पल्ला झाड़ लिया था। आज के कारोबार में भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली। अच्छे विदेशी संकेतों और मई एक्सपायरी से आई शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार में अच्छी बढ़त रही और निफ्टी 7900 के अहम स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 576 अंक और निफ्टी 186 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि अच्छे मॉनसून के बाद बाजार में तेजी आएगी, साल के अंत तक निफ्टी 9000 तक पहुंच सकता है। कोर्स नीड फ्यू थिंग्स इन इंडिया आल्सो, मॉनसून ठीक ठाक होना चाहिए, जो रिफॉर्म का पेस थोड़ा रुका हुआ था वो आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बात कर रहे थे हम लोग कि राज्यसभा में कंपोजिशन ठीक ठाक हो रहा है, GST पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा। पर हम लोग अभी भी मेंटेन यही व्यू करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा पोटेंशियल है। इंडेक्स में रिटर्न जितना भी मिले उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न अगर आप सही स्टॉक सिलेक्ट करो वहाँ पर मिलने की उम्मीद रहेगी। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, सोना सस्ता होना शुरू हो गया है। मई में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1000 रुपए तक घट गया है। इस दौरान भाव 30,000 से घटकर 29,000 के करीब पहुंच गया है। MCX पर सोना 1 महीने के निचले स्तर यानी 29,000 के नीचे लुढ़क गया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को बढ़ा दिया है। भारत की रेटिंग इक्वल वेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी गई है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की इकोनॉमी में रिकवरी के हालात बेहतर हैं। साथ ही मॉर्गन स्टैनली का मानना है
कि अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले भारत में रिस्क कम है और जीएसटी के जल्द पास होने की उम्मीद है। क्रूड की कीमतों में तेजी बढ़ गई है। WTI और ब्रेंट क्रूड का भाव 1% से ज्यादा बढ़कर $49 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। WTI क्रूड का भाव 7 महीने की ऊंचाई पर है और अमेरिका में स्टॉक घटने से कीमतों में तेजी आई है। अमेरिका पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 51 लाख बैरल घटा है। रुपए में जोरदार तेजी आ गई है। डॉलर के मुकाबले भाव करीब 25 पैसे बढ़ गया है। शेयर बाजारों में जोरदार तेजी से रुपए में सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। यही वजह है कि डॉलर में उछाल के बाद रुपए में तेजी का रुख बना हुआ है। प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर करीब 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इफ्को ने फर्टिलाइजर के दाम में कटौती की है। ये कटौती 50 रुपए बोरी की हुई है। DAP NPK फर्टिलाइजर की कीमतों में कटौती की गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई। चना वायदा पर वित्त मंत्रालय हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने चना वायदा पर फैसला करने के लिए सप्लाई और प्राइस का डेटा मांगा है। सोमवार को सचिवों की कमेटी की बैठक में चना वायदा की समीक्षा हुई है। कीमतों में जोरदार तेजी को रोकने के लिए पिछले महीने उपभोक्ता मंत्रालय ने चना वायदा पर रोक के लिए वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। 2 महीने में चने का भाव करीब 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है। दिल्ली में ब्रेड में खतरनाक केमिकल्स मिलने से हड़कंप मचने के बाद महाराष्ट्र और अब गुजरात सरकार के फूड एंड ड्रग विभाग ने कंपनियों की ब्रेड के नमूने जांच के लिए लेने का आदेश दिया है। दिल्ली में CSE ने कई ब्रांडेड कंपनियों के ब्रेड से नमूने जुटाए थे, जिसमें पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जैसे खतरनाक केमिकल मिलने के बाद गुजरात फूड एंड ड्रग्स के कमिश्नर ने ब्रेड के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। वी हैव गॉन थ्रू द जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का वेबसाइट है, उसके ऊपर से पूरा ये 29 पेज का उसका रिपोर्ट है डिटेल, जो उसने 38 ब्रीड्स का डिफरेंट ब्रांड्स का दिल्ली में टेस्ट किया था। तो ये वी हैव गॉन थ्रू दैट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के अंदर कोई ब्रांड के अंदर जो पोटेशियम आयोडेट एंड पोटेशियम ब्रोमेट जो कार्सिनोजेनिक केमिकल दो है, तो 3-4 ब्रीड के अंदर नॉट डिटेक्टेबल मिला नहीं है, डिटेक्ट नहीं कर पाए, और कहीं ब्रीड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 22.5 PPM से ज़्यादा नहीं है। कोचिन शिपयार्ड का IPO जल्द आएगा। माना जा रहा है कि कोचिन शिपयार्ड का IPO अक्टूबर दिसंबर में आएगा। इश्यू के जरिए सरकार की कंपनी में 10% हिस्सा बेचकर IPO से 330 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आज दूसरे दिन भी VRL लॉजिस्टिक्स के शेयर में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में शेयर करीब 18% तक टूट गया। एविएशन कारोबार में एंट्री को लेकर कंपनी के CMD का कहना है कि एविएशन में प्रस्तावित एंट्री निजी निवेश पर होगी। सरसेट ऑयल फील्ड के लिए 15 जुलाई से सरकार बिडिंग शुरू करेगी। बिडिंग की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी और 16 नवंबर को सरकार बोली जीतने वालों के नाम का ऐलान करेगी। सरकार ने कैपिटल गुड्स पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत साल 2025 तक 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का भी लक्ष्य रखा गया है। ये पॉलिसी 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 20% करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। The important national policy on capital goods sector is created for the first time. As you know, in the Make in India, the growth of capital goods will be very critical because we should not just import capital goods. So this is a very important policy statement which has been made under that. बजाज फिनसर्व और अलायंस का 15 साल पुराना रिश्ता टूट सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अलायंस 2001 के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी में हिस्सा बढ़ाना चाहती है, लेकिन बजाज मार्केट वैल्यू के मुताबिक हिस्सा बढ़ाने के पक्ष में है और सूत्रों के मुताबिक अलायंस मार्केट वैल्यू के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं बढ़ाना चाहती। सूत्रों का कहना है कि दोनों कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो बजाज पर 3,500 करोड़ रुपए की देनदारी बनेगी। दोनों कंपनियों के बीच 23 अप्रैल 2001 को 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो 30 जुलाई 2016 को खत्म हो रहा है। बजाज ऑटो और बॉश के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। जनवरी मार्च तिमाही में बजाज ऑटो का स्टैंड अलोन मुनाफा
29% बढ़कर 803 करोड़ रुपए रहा। वहीं चौथी तिमाही में कंपनी की आय में भी करीब 15% का इजाफा देखने को मिला है। जनवरी मार्च तिमाही में बॉश का स्टैंडअलोन मुनाफा करीब 31% बढ़कर 376 करोड़ रुपए रहा है। टाटा स्टील के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का घाटा 3,214 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का घाटा 5,670 करोड़ रुपए रहा था। चौथी तिमाही में एलएनटी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8.5% बढ़कर 2,450 करोड़ रुपए रहा। वहीं इस तिमाही में कंपनी की आय में भी 17% का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने 18.25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान किया है और कंपनी का एबिटा में करीब 35% का इजाफा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई इंटरनेट टेलीफोनी को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकता है। डीओटी ने हाल ही में लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करके आईपी बेस्ड कनेक्शन को मंजूरी दी है। इसके बाद ट्राई ने ग्राहकों को इंटरनेट टेलीफोनी देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। दरअसल इसकी दूसरी वजह यह भी है कि रिलायंस जियो ऐप के जरिए इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस देने जा रहा है, जिसका सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीओएआई विरोध कर रहा है। सीओएआई के मुताबिक रिलायंस जियो की इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं अवैध हैं। रिलायंस जियो मोबाइल सेवाओं के लिए दिए हुए नंबरों का इस्तेमाल इंटरनेट टेलीफोनी देने के लिए नहीं कर सकता है। अब आप जल्द ही अपने सेट टॉप बॉक्स को भी पोर्ट करा सकेंगे। ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा का कहना है कि वो सेट टॉप बॉक्स की इंटरपोर्टेबिलिटी पर तेजी से काम कर रहे हैं। इंटरपोर्टेबिलिटी पर आईआईटी और सीडीओटी टेक्नोलॉजी इश्यू पर काम कर रहे हैं। ट्राई चेयरमैन के मुताबिक सेट टॉप बॉक्स की इंटरपोर्टेबिलिटी 1 साल के अंदर लागू होने की उम्मीद है। इंटरपोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद आपको ऑपरेटर बदलने पर दूसरे ऑपरेटर का सेट टॉप बॉक्स नहीं खरीदना पड़ेगा। क्या आपको भी अक्सर एटीएम खराब मिलते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं जो इससे परेशान हैं। देश में करीब 1/3 एटीएम खराब हैं। ये खुलासा आरबीआई के एक सर्वे में हुआ है। सर्वे में कुल 4,000 एटीएम को शामिल किया गया, जिनके सैंपल पूरे देश के लिए लिए गए।